Hey guys, welcome back to lecture. Today is our lecture number 3, basic of JavaScript. इसमें हमने सीखना है कि टैगिंग सिस्टम क्या होता है. हमारी कोडिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत बेसिक सीखनी है. अब हम कोडिंग के अंदर ऐसा ऐसा जा रहे हैं. तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले होता है कंटेनर टैग. कंटेनर टैग होता है, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग. कंटेनर टैग वो होता है जो स्टार्ट होता है और फिर उसके बीच में कुछ होता है और फिर एंडिंग का उसका अलग टैग होता है. जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, ये हेडिंग का टैग. हेडिंग स्टार्ट हुआ, बीच में आप हेडिंग देंगे, कोई भी हेडिंग दे देंगे, लाइक दिस इज, ये मेरी हेडिंग होगी और हेडिंग का टैग क्लोज हो रहा है. तो ये जो कंटेनर टैग, ये जो बीच में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कंटेन कर रहा है, ये कंटेनर टैग में काउंट होता है. ओके, उसके बाद आता है सेल्फ क्लोजिंग टैग. सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा होता है? ये हेडिंग्स, अकेला टैग, उसी के अंदर ही हमने सब कुछ लिखना होता है. वो होता है हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग. इसकी एग्जांपल आगे आपको कोड के अंदर नज़र आएगी. इसकी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, अभी मेरा VS कोड खोलता हूँ. ये देखें, ये जो है व्यू का टैग, ये वाला, ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है. ठीक है, या फिर ये टैग्स का, ये हमारा दूसरा कंटेनर टैग है और ये स्टेटस बार जो है, ये स्टेटस बार का हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है. कैसे है ये स्टेटस बार? यहाँ से ओपन हो रहा है, इसके अंदर ही हमने जो इसका स्टाइल लिखना था, ऑटो लिखना था, और यहाँ पे ये क्लोज कर दिया. तो ये हमारा क्या है? सेल्फ क्लोजिंग टैग. और ये हमारा कंटेनर टैग है. ये देखिए, टैग्स का यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे इसके बंद कर दिया, बीच में हमारा टेक्स्ट आ गया और यहाँ से टेक्स्ट को इसको हमने क्लोज कर दिया. तो ये क्या है? हमारा कंटेनर टैग है. ओके, आई होप समझ आ गई हो. ओके, बेसिक टैग, जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा जो है ना कंटेनर टैग आ गया, ठीक है, और ये हमारा सेल्फ टैग है. ओके, टूलिंग के अंदर आ जाते हैं. तो टूलिंग में क्या है हमारे पास? नोड JS, ये कंपाइलर है. इट विल टेक आवर कोड एंड मेक इट टू रनेबल यूजिंग पैकेजेस, जैसे कि मैंने पहले बताया था. उसके बाद NPM, NPX. अब ये दोनों क्या चीज़ है? दीज आर हेल्पर CLI टूल्स दैट गिव अस डिफरेंट कमांड्स टू वर्क. ठीक है, ये CLI टूल्स हैं जो हमें डिफरेंट कमांड देते हैं, जो जिसके ऊपर हम काम करेंगे विद इन नोड JS के अंदर. उसके बाद VS कोड क्या है हमारा? VS कोड सिम्पली हमारा कोड एडिटर है, जिसके हम अपना कोड लिखेंगे, उसके एडिट करेंगे, उसके मल्टीपल जो कोडिंग के हवाले से हमें हेल्प मिलती है वो VS कोड के अंदर मिलती है. ठीक है, उसके बाद अभी आपको चला के दिखाते हैं अपना कोड. अब हमारे अपने मोबाइल पे वाइजर को ओपन किया हुआ है. ठीक है, टर्मिनल कहाँ गया? टर्मिनल क्लियर. ओके, NPX XPO RUN expose start. स्टार्ट. ठीक है, अभी मेरा प्रोजेक्ट रन करेगा. ओके, हमारा QR जनरेट हो गया. अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था अपने लास्ट लेक्चर में, कि जब आप एक QR स्कैन कर रहे हो तो आपका मोबाइल फ़ोन और आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों सेम नेटवर्क पे होने चाहिए. एक ही वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए, एक ही राउटर से कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये काम करता है. ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया स्टार्ट. अब हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है. अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है. ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था कि वेरिएबल हमने देखने, डेटा टाइप्स क्या हैं. उसमें सबसे पहले आती है कांस्टेंट. कांस्टेंट होता है और वार वेरिएबल होता है,
कांस्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है? कांस्टेंट का मतलब है कि साकिन, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है? तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं CONST, कांस्ट। उसके बाद जो है ना, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, कांस्टेंट इक्वल टू फिक्स वैल्यू, वेरिएबल इक्वल टू चेंजेबल वैल्यू, ठीक है? ये हम यहाँ पे डाटा टाइप डिस्क्राइब करें, हम यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं ये चीज़ें। अब हमने क्या लिखना है, कॉस्ट, ओके, देना है यहाँ पे CONS, ये देखें, कांस्टेंट इक्वल टू FIRST फर्स्ट CON, ओके, ऐसे ही है ना, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, कांस्टेंट फर्स्ट कॉन, ठीक है, इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 5, ओके, तो ये मैंने लिख दी 5 इसकी वैल्यू। उसके बाद हम देते हैं वेरिएबल VAR, ठीक है, FIRST VAR फर्स्ट बार इक्वल टू 23। उसके बाद वेरिएबल एक और लिखते हैं, SUMPAR, ठीक है, समवार इक्वल टू FIRST फर्स्ट कॉन प्लस उसके बाद आते हैं फर्स्ट वार FIRST फर्स्ट वार, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब ये मैंने बनाया प्लस का, अब एक और वार बना दो, ये आर मल्टीप्लाई MUL VAR, ठीक है, या वेरिएबल को हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। MULVAR FIR उसके बाद FIR, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक एक प्लस का बन गया, एक मल्टीप्लाई का बन गया। तो हमने क्या करना है, ये देखिए प्लस का बन गया, ये मल्टीप्लाई का बन गया। अब हमने क्या करना है, रिटर्न के टैब में जाना है, रिटर्न के टैब में व्यू के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट फर्स्ट कॉन, टेक्स्ट सेकंड कॉन, उसके फिर सम वाली वैल्यू, ओके। तो हम जाते हैं इसके यहाँ पे, टेक्स्ट टेक्स्ट का टैग ओपन भी हो गया, बंद भी हो गया। अब यहाँ पे अंदर आएगा फर्स्ट कौन, ऐसे ही आएगा ना, हाँ ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रन करता हूँ, एक मिनट, देखते हैं क्या होता है। एरर दे दिया,
अभी भी ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? को हटा देते मल्टीपल को। वीपी एरर क्यों आ रहा है? 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 अच्छा। ये आना है ऐसे। टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर। अच्छा, वो किसी और कंपोनेंट में था। टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत है। अब ये आ जाए टेक्स्ट। मैं भी कहूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। मैं भी आप लोगों की तरह फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो एक गड़बड़ आएगी। ओके, अब हम इसको देखते हैं। तो फोन बंद हो जाता है पर ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, देखते हैं। ये देखा, आउटपुट आ गई। आउटपुट क्या आई है? ठीक है, पहले आउटपुट की थी फर्स्ट कान 5 है हमने रखा, फर्स्ट बार 23 रखा, और हमने क्या किया, इसको प्लस किया। ठीक है, प्लस करने के बाद क्या आ रहा है? 28। अब मैं वही वाला मल्टीपल वाला करता हूँ। वी ए आर एम यू एल वी ए आर ओके एफ आई आर एस टी फर्स्ट कान मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टार। ठीक है, इसको एफ आई आर एस फर्स्ट वे। अब इसको करते हैं, तो अब हम टेक्स्ट में यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखते हैं ब्रैकेट ओपन एम यू एल वी आर। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीपल वैल्यू आ गई 25 मल्टीप्लाई बाय 23 115। ये इसकी मल्टीपल वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी चेंजिंग करूँ इसकी लुक के अंदर। लुक के अंदर क्या चेंजिंग होगी ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये स्टेटस बार है, ठीक है, स्टेटस बार स्टाइल ऑटो बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, अब मैं ज़रा स्टेटस बार के ऊपर आता हूँ। किधर गया स्टेटस बार? ये रहा स्टाइल ऑटो। अब यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वाइट। किधर गया मेरा फोन? अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, स्टेटस बार अपडेटिंग कलर वाइट, इसमें क्या गड़बड़ कर रहा है? देखा, ये चेंज हो गई। मैंने इसको ब्लैक में किया तो ब्लैक हो गई। अब मैं इसको करता हूँ ग्रीन, कंट्रोल एस, अभी ग्रीन में होगी। अब मैं करता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल मुझे इसके साथ कंट्रास्ट जो है ना, मुझे वाइट का अच्छा लगता है वाइट। ये देखें, अब वाइट हो गई। और पहले इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का यहाँ पे ऑप्शन होता है। हमने यहाँ पे कोडिंग के अंदर, मैं एक चीज़ बताना और भूल गया, कैपिटल और स्मॉल का हमने प्रॉपर एक रखना होगा, क्योंकि अब वाइट में डब्ल्यू उसका कैपिटल लिख रहा था तो वो पिक नहीं कर रहा था, एड दे रहा था। इस वजह से अब मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पसंद है, और कौन सा कलर है? ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। ऑरेंज हो गई। ठीक है, और वाई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, येलो होगी बार। ओके, मुझे वाइट पसंद है तो मुझे वाइट अच्छा लगा, मैंने वाइट रख लिया। ओके, इस तरीके से हम अपने इस ऐप को थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं। और इसमें क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें ईमेल के लिए इनपुट रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे, इन
इनपुट टैक्स प्लेस होल्डर ईमेल। ओके तो लेट्स डू इट। यहाँ पे मैं जाता हूँ इनपुट टेक्स्ट एक मिनट गड़बड़ टेक्स्ट इनपुट है, मैं वही कह रहा था टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लेस होल्डर ईमेल। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्स्ट इनपुट को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करना है, ऐसे। ठीक हो गया, ये हमारा टेक्स्ट इनपुट क्लोज हो गया। अब रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखें ईमेल आ गया, यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम कीबोर्ड हमारा ओपन हो गया। अब हम टाइप करेंगे USAMA@gmail.com live.com। ये देखें पूरी ईमेल यहाँ पे आ रही है। ये हमारा कीबोर्ड इसके अंदर ओपन कैसे हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये एंड्रॉयड के बिल्ट इन फीचर्स को पिक कर रहा है। यहाँ से हमारा ईमेल जो है ना, उसको जब हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे, हमारा जो बिल्ट इन एंड्रॉयड का कीबोर्ड है वो इसमें ओपन हो जाएगा और वो हमें यहाँ पे टाइप करने देगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है बटन। अब मैं करता हूँ लॉगिन का बटन मैंने क्रिएट करना है, तो बटन का लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, बटन का टैग क्या है, नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, BUDD। ओके, बटन का टैग, सॉरी गलत लग गया, BUDD बटन। बटन का टैग आ गया। अब इसके अंदर हमने देना बटन को टाइटल। टाइटल क्या देना है, टाइटल मैं इसको करता हूँ लॉग इन हेयर, एच कैपिटल कर लेते। ठीक है, और उसके बाद बटन का कलर क्या रखना है वो भी रख लेते हैं हम, ये छोड़ें कलर का बाद में करते हैं। मैं इसको ऐसे ही क्लोज करता हूँ, वो देखें बटन आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका कलर मैंने चेंज करना है, कलर कलर मैं करता हूँ इसका ग्रीन। ओह शिट, कोडिंग में गड़बड़ हो गई। ग्रीन कैसे आएगा, डबल कॉमास के अंदर आएगा। ठीक है, देखा ये कलर ग्रीन हो गया। मैंने जब ग्रीन का जी कैपिटल में लिखा था तो वो ग्रीन इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ग्रीन इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया कि हमारा एक इतना सा बेसिक सा ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसका बन गया, कलर ग्रीन सब कुछ हो गया। ओके गाइस, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अंदर क्या है कि ये आप प्रैक्टिस करें, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, वैल्यू चेंज करें, और भी कोड लगाएं मल्टीप्लाई के, डिवीजन के, या जो भी किस्म के कोड लगाएं। ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स लगाना बता दिया, इसमें बटन लगाना बता दिया कि बटन कैसे लगता है। तो जो भी आप इसमें टेक्स्ट चेंज करेंगे वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बाय बाय।